रहे हैं और इमामबाड़ा जाएंगे, आप सब लोगों को दिखाएंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना। ये संडे का ब्लॉग है दोस्तों, तो आज संडे है तो मैंने सोचा संडे का ब्लॉग आपको संडे के दिन ही शेयर करूँ, क्योंकि अगले संडे को हम लोग गए थे इमामबाड़ा घूमने। लखनऊ का इमामबाड़ा है दोस्तों, तो देखिए हम लोग इमामबाड़ा पहुँच चुके हैं। इमामबाड़े के बाहर ही हैं हम। आप सभी लोग जानते हैं कि ये लखनऊ में घंटाघर के पास इमामबाड़ा है, जहाँ पे हम लोग आए हैं घूमने। तो ये बहुत बड़ा है और इसी के अंदर भूल भुलैया भी है। शायद आप लोगों ने सुना होगा कि इसके अंदर भूल भुलैया भी है। यहाँ पर कपल्स को अकेले नहीं जाने दिया जाता है, ऐसा कहते हैं कि एक गाइड लेना ज़रूरी होता है। बच्चों को भी अंदर अकेले नहीं जाने दिया जाता है। यहाँ पर छोटे बच्चों का भी टिकट पड़ता है, 5 साल के जो भी ऊपर के बच्चे हैं या बड़े हैं उन सभी का टिकट पड़ता है। 50 रुपये टिकट है यहाँ का, और बहुत अच्छा है। बाहर भी बहुत सारा गार्डन है, ओपन ओपन सा है। सभी यहाँ पर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, और हम लोग आज जा रहे हैं अंदर। इसके अंदर ये बच्चे सब जिद कर रहे थे कि भूल भुलैया की सैर करनी है, तो हम इसीलिए आए थे। भूल भुलैया की सैर इन बच्चों को कराना है। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको पूरा दिखाएंगे। हम आपको भूल भुलैया के अंदर भी ले चलेंगे, दिखाएंगे वहाँ पर। यहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल भी मना है। यहाँ पे बराबर अनाउंसमेंट होता रहता है कि यहाँ पे वीडियो शूट करना मना है, कोई भी मोबाइल से वीडियो ना बनाए। लेकिन मैंने चोरी चोरी से वीडियो बनाई है आपके लिए, तो आप सभी लोग हमारी वीडियो को ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। कैसे मैंने वीडियो बनाई है ये आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आप पूरा वीडियो को अगर देख लेंगे, लाइक कर देंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हम आपको भूल भुलैया के अंदर भी पूरा दिखाएंगे। ये देखिए हमारी सिस्टर की बेटी हैं, जो कि बिटिया को गर्मी लग रही थी, तो यहाँ पार्क है बाहर, तो हम लोग यहीं पे बिटिया को लिटाए हुए हैं। इसे बिटिया थोड़ा खेल रही हैं, और ये यहाँ पर पानी वानी की सुविधा भी है, पानी है, कोल्ड ड्रिंक है। तो यहाँ पर दुकानें भी लगी हुई हैं, एक दुकान लगी है, बहुत ज़्यादा दुकानें नहीं हैं जहाँ पर पानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलती है। जिसको प्यास लगती है तो वो लोग यहीं से खरीदते हैं, और ये सारे मस्ती कर रहे हैं। ये आयुष्मान है, इनको कुछ ज़्यादा ही मस्ती आती है, तो ये शैतानी भी बहुत ज़्यादा करते हैं। बिटिया भी घूम के आई हैं, तो अब चलिए हम आप लोगों को अंदर का भी ले चलते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी सकरी सकरी सी गलियाँ हैं, बहुत छोटी छोटी सी गलियाँ हैं, और पता नहीं कितने ज़्यादा इसमें दरवाजे हैं। मुझे तो दरवाजे भी याद नहीं, मुझे तो अंदर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बड़ी मुश्किल से ये वीडियो मिली है, लेकिन पूरी वीडियो नहीं है दोस्तों, थोड़ी थोड़ी बीच बीच से कट कट करके बनी हुई है। तो ये छोटे छोटे से जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ये ऊपर का है, ये मेन गेट ऊपर से दिखाई देता है। तो ये देखिए अंदर की तरफ बिल्कुल सुरंग की तरह इसके अंदर जो दरवाजे हैं, भूल भुलैया में जो दरवाजे हैं, बहुत छोटे छोटे से दरवाजे हैं, और सारे दरवाजे एक ही तरह के हैं। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसे जाना है, किधर से निकलना है बाहर। हम लोगों ने साथ में एक गाइड भी ले लिया है, उसने 270 रुपये लिए थे, और हम सबको भूल भुलैया की सैर करवाई है। तो देख सकते हैं आप लोग कितना डरावना लग रहा है, छोटे बच्चे तो अकेले अगर आएंगे तो डर जाएंगे। छोटे बच्चे क्या, अगर बड़े भी इसके अंदर अकेले आ जाएंगे तो बहुत डरेंगे, क्योंकि इसके अंदर अंधेरा भी है, और ये जो दरवाजे हैं इसमें पता ही नहीं चलता है किधर से हम आए हैं, किधर को हम जाएँगे, कौन सा दरवाज़ा हम क्रॉस कर चुके हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने दीवारों पे निशान भी लगा दिए हैं आने जाने के लिए, और ये तीसरी मंजिल पे हम लोग पहुँचने वाले हैं। तीसरी मंजिल पे जब हम लोग पहुँचेंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी रोशनी हमें मिलती है, और यहाँ से आप पूरे लखनऊ का जो चार बाग है या अगल बगल का जो भी एरिया है, यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। ऊपर आने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डर लगता है अंधेरे की वजह से, और कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बस दरवाजे बहुत ज़्यादा हैं तो इससे थोड़ा सा भूल जाते हैं लोग। और ये देखिए ऊपर की तरफ आए हैं तो यहाँ थोड़ी थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे रही है। इससे ऊपर आने तक का वीडियो ही हमने शूट किया है, इससे ज़्यादा हमने वीडियो नहीं बनाया है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है हमारे पास। लेकिन नहीं नहीं करते, मैंने इतनी वीडियो आपको दिखा दी, अगली बार हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे। ये देखिए सतखंडा इमारत है दोस्तों, ये इमामबाड़े के पास है। यहाँ से वापसी जा रहे हैं घर, तो हमने सोचा थोड़ा सा रात का भी वीडियो आप लोगों को दे देते हैं कि लखनऊ में कितना अच्छा लगता है शाम के समय।
इमामबाड़ा में अंदर की तो कोई भी वीडियो हम बना नहीं पाए दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर अंदर वीडियो नहीं बनाने देते हैं। तो यहाँ पर हम आए हैं थोड़ा आगे बढ़कर, तो ये सतखंडा इमारत हमको दिखाई दे रही है। आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, खूब सारी लाइटें जल रही हैं इसमें। ये देखिए रोड, रोड का नज़ारा है, रोड पे भी बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल लग रहा है कि रात के समय ही यहाँ पे घूमने वाला है। दिन में भी अच्छा लग रहा था और रात में भी अच्छा लग रहा था। तो ये हमारा लखनऊ है, अगर आप लोग लखनऊ नहीं आए हैं तो आप लोग एक बार लखनऊ ज़रूर आइए घूमने यहाँ पर। देखिए कुछ सेल्फी वगैरह ले रही हैं बिटिया लोग। तो ये ब्लॉग हमारा अगर आपको पसंद आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।